सबसे बड़ा ड्रामा यही है कि हम दिल्ली के नजदीक स्वर्ग और नरक एक आधा घंटे के रास्ते में हो गए, यानी कि एक आधा घंटे के रास्ते में तो जन्नत है और एक आधा घंटे के बाहर आ जाए तो जहन्नुम है। आकर देखो मेरा गांव बद से बदतर हालात, सारे देश में पिछड़ा हुआ है बस अपना मेवात। सिर्फ हमारे यहाँ के लोगों को 50 आदमी कहो तो बेचारे बगैर रोजगार के गांव की दुकानों में बैठे हैं, राशन हमारा नहीं आता, पानी हमारा नहीं आता, बिजली के तो ये हालात हैं कि रात में कोई सो नहीं सकता। बदहाल हो गई, बदहाल हुए मेवात हमारी, ना तो नौकरी ना है पढ़ाई, घर घर बेरोजगारी आई, घर घर बेरोजगारी आई। प्रधानमंत्री मोदी जी अब दे दे कोई सहारो। ओ बदहाल हुई मेवात हमारी, कैसे होए गुजारो, ओ बदहाल हुई मेवात हमारी। साथियों आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो मेवा सिर्फ और सिर्फ 90.4 FM पर। साथियों जैसे कि 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही आपके बीच में आपका पसंदीदा कार्यक्रम। गांव में स्कूल ना 8 तक ही है, तो ज्यादा जितनी भी लड़की पढ़ी है ना 8 ही पढ़ी है वो गांव की। जो मदरसा है ना, मदरसों में ये कहते हैं कि हम जो मुसलमान लड़कियाँ हैं उनसे कि तुम पढ़ाई कर कर क्या करोगी, हमारा जो दीन है उसमें तो पर्दे में रहने के लिए कहा गया है। लड़की लो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लड़की तो एक पढ़ी रहेगी तो कम से कम अगर वक्त शादी होगी, पढ़ाई रहेगी तो अपने अधिकारन के बारे में पता रहेगी। क्या ये मेवात के जो मुसलमान या हिंदू भाई जो रहते हैं, जो भी यहाँ रहते हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? पहलू और जुनेद बेवजह खून बहाया जाता है, बेवजह खून बहाया। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। कम से कम लोगों की सोच में होती है ये बात, चाहे हो 25%, लेकिन सोच में होती जरूर है। अगर भाई हम लोग या तो मुसलमान है इसलिए हमारा कुछ नहीं होता, नहीं तो सर और तो कोई झगड़ा भी नहीं है। बस मेरा मेवात सारे देश में पिछड़ा हुआ है, बस मेरा मेवात सारे देश में पिछड़ा हुआ है, बस मेरा मेवात।